को 108 साल का वक्त हो चुका है। इस वक्त में देश में तमाम स्टार म्यूजिशियन सिंगर्स और फिल्म मेकर्स दुनिया को दिए हैं। आज भारत में अकेले बॉलीवुड में लगभग 1000 से भी अधिक फिल्में हर साल बनती हैं और दुनिया भर में ये फिल्म देखी और पसंद की जाती है। फिल्म इंडस्ट्री आज अरबों का व्यवसाय है जिसमें लाखों लोग रोजगार पाते हैं। लेकिन जब भारत में सिनेमा शुरू हुआ तो ये सब इतना आसान नहीं था, मगर आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विजन भी, इसलिए दुनिया भर में भारतीय फिल्म आजकल अपनी जगह बना रही है। आज हम इंडियन सिनेमा के आपको ऐसे 50 फैक्ट बताने जा रहे हैं जो आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नंबर एक, राजा हरिश्चंद्र हिंदी सिनेमा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जो 3 मई 1913 में रिलीज हुई थी। नंबर दो, भारतीय सिनेमा का पहला किस सीता देवी और चारू रॉय के बीच फिल्म थ्रो ऑफ डाइस में हुआ था। नंबर तीन, आला मारा हिंदी सिनेमा की पहली साउंड फिल्म थी। नंबर चार, फियरलेस नाडिया बॉलीवुड की पहली स्टंट क्वीन मानी जाती है। 1943 में आई किस्मत बॉलीवुड की पहली प्रमाणित ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 1946 की फिल्म आपकी सेवा में बॉलीवुड डेब्यू किया था। नंबर सात, सत्यजीत रे बॉलीवुड के महान निर्देशक माने जाते हैं। 1955 में बनी पाथेर पांचाली उनकी पहली फिल्म थी जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में सराहा गया था। नंबर आठ, ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह नेशनल ड्रामा स्कूल में साथ में अभिनय सीखते थे। नंबर नौ, सुनील दत्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर के फेवरेट स्टार थे। नंबर दस, महज 28 साल की उम्र में नरगिस ने मदर इंडिया में राधा का रोल अदा किया था। नंबर ग्यारह, बड़े भाई राज कपूर के मदद से शशि कपूर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। नंबर 12, सुचित्रा सेन बॉलीवुड की एकमात्र अभिनेत्री है जिन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। नंबर 13, हेलेन के पिता द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे जिसके बाद उनका परिवार बर्मा से मुंबई शिफ्ट हो गया। नंबर 14, 1970 के दशक में जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों ने बच्चन साहब को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। नंबर 15, 1975 में आई फिल्म शोले बॉलीवुड के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। नंबर 16, हीरोइन में करीना कपूर ने जितने महंगे कॉस्ट्यूम पहने उतने कभी किसी बॉलीवुड में किसी कलाकार को नहीं पहनाए गए। इस फिल्म में करीना जो ड्रेसेस पहनती है उनमें कुछ की कीमत 1.5 करोड़ तक थी। डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने करीना के लिए टॉप डिजाइनर से 130 कॉस्ट्यूम बनवाए थे। नंबर 17, DDLJ का फर्स्ट रिकॉर्ड होने वाला सॉन्ग था मेरे ख्वाबों में जो आए। आपको बता दे, ये सॉन्ग आनंद बख्शी ने 24 बार लिखा था लेकिन हर बार आदित्य चोपड़ा ने रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 18, इंडिया की सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है, उसने कुल 92 अवार्ड्स जीते हैं। नंबर 19, गजनी इंडिया की पहली फिल्म थी जिसने पहली बार 100 करोड़ का बिजनेस किया था और थ्री इडियट पहली फिल्म थी जिसने पहली बार 200 करोड़ की इनकम की थी। नंबर 20, आपको शायद ना पता हो लेकिन DDLJ में राज के किरदार के लिए हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को लेने की भी बात चली थी। आदित्य चोपड़ा की पहली पसंद सैफ अली खान थी लेकिन बाद में ये रोल किंग खान को ही मिला। नंबर 21, बिग बी यानी बच्चन साहब बॉलीवुड में सबसे टाइम के पंक्चुअल एक्टर माने जाते हैं। अपने वक्त में वो वॉचमैन तक से पहले फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंच जाया करते थे। नंबर 22, अनिल कपूर की फैमिली जब मुंबई शिफ्ट हुई तो कुछ दिन उन्होंने राज कपूर के गैराज में रहना पड़ा और फिर एक छोटे से रूम में रेंट पर। नंबर 23, 1990 तक केवल अमित जी ही वो स्टार थे जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा फीस लिया करते थे। नंबर 24, के आसिफ ने अपनी लाइफ में केवल 2 फिल्में बनाई थी, एक 1945 में फूल और दूसरी 1960 में मुगले आजम। तीसरी फिल्म लव एंड गॉड बनाते हुए ही 48 की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। नंबर 25, ऋषि कपूर के साथ 20 हीरोइन ने अपने करियर की शुरुआत की थी। नंबर 26, फिल्मों में आने से पहले शाहरुख खान दिल्ली के दरियागंज में रेस्टोरेंट चलाते थे। नंबर 27,
शोले फिल्म का फेमस डायलॉग कितने आदमी थे 40 रिटेक में फाइनल हो पाया था। नंबर 28, तमिल फिल्म मुंद्रु मुदिच्चु में जूही चावला ने रजनीकांत की माँ का रोल किया था। जब वो रजनीकांत की माँ बनी तब उनकी उम्र मात्र 14 साल थी। नंबर 29, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों बॉलीवुड का सबसे लंबा सॉन्ग है। फिल्म में इसे 3 पार्ट्स में दिखाया गया है। नंबर 30, चीन में रिलीज होने वाली पहली इंडियन फिल्म आमिर खान की लगान थी। इसका प्रीमियर संघाई में रखा गया था। नंबर 31, मुगले आजम को बनाने में 18 साल लगे थे और सीन को हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में ही ओरिजिनली शूट किया गया था। नंबर 32, राज कपूर अंधविश्वासी थे और फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की रिलीज से पहले उन्होंने मांसाहारी भोजन खाने के साथ साथ पीने से भी परहेज कर लिया था ताकि फिल्म सफल हो। नंबर 33, क्या आप जानते हैं देवानंद साहब अपनी फिल्मों के टाइटल न्यूज़पेपर के हेडलाइन से लिया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोग फिल्म से जुड़ाव महसूस कर पाए। नंबर 34, फेमस एक्टर अशोक कुमार पहले थिएटर बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट हुआ करते थे। 1936 में वो एक्टर बने थे। नंबर 35, सुनील दत्त ने अपने फिल्मी सफर में 20 से भी अधिक फिल्मों में डकैत का रोल अदा किया था। नंबर 36, वहीदा रहमान ने अमित जी के साथ उनकी प्रेमिका और माँ दोनों का रोल अदा किया। 1976 की फिल्म अदालत में वो बच्चन साहब की प्रेमिका बनी है और 1978 की फिल्म त्रिशूल में अमित सर की माँ। नंबर 37, डिंपल कपाड़िया जब 16 साल की थी तो राज कपूर ने उन्हें फिल्म बॉबी में पेश किया था। और आपको बता दें कि डिंपल कपाड़िया ने 16 की एज में ही राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। नंबर 38, 1962 में दिलीप कुमार को हॉलीवुड फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में डेविड लीन ने रोल ऑफर किया था, मगर किसी कारण से दिलीप साहब ने मना कर दिया और बाद में वो रोल मिस्र के एक्टर उमर शरीफ ने अदा किया था। नंबर 39, धर्मबाजी यानी धर्मेंद्र साहब अपनी जवानी में सुरैया के बड़े फैन हुआ करते थे। उनकी फिल्म देखने वो मीलों पैदल जाया करते थे। आपको बता दें कि 1949 में सुरैया की फिल्म दिल्लगी को धर्मेंद्र जी ने 40 से भी अधिक बार देखा है। नंबर 40, मोहम्मद रफी बॉक्सिंग के बड़े फैन थे। अपने शिकागो दौरे पर आयोजकों से रिक्वेस्ट करके वो मोहम्मद अली से मिलने गए थे। नंबर 41, धर्मबाजी यानी धर्मेंद्र जी ने पहली फिल्म 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे की थी, जिसके लिए उन्हें फीस के रूप में 51 रुपए मिले थे। नंबर 42, देविका रानी इंडिया की पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में डिग्री हासिल की थी। नंबर 43, राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर इंडिया की पहली फिल्म है जिसमें 2 इंटरवल हैं। नंबर 44, एलओसी कारगिल इंडिया की सबसे लंबी फिल्म है। इसका रन टाइम है 4 घंटा 15 मिनट। नंबर 45, खलनायक फिल्म का सॉन्ग चोली के पीछे क्या है का देश की 42 पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया था। नंबर 46, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने फिल्म संघर्ष में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल अदा किया था। नंबर 47, SRK यानी किंग खान ने अपने करियर की शुरुआत अरुंधति राय की फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस से की थी। नंबर 48, क्या आप क्लोजअप करते हैं नाम के एड में दीपिका पादुकोण पहली बार दिखी थी। नंबर 49, राजकुमार हिरानी डायरेक्टर बनने से पहले फेविकॉल के एड में एक्टिंग कर चुके हैं। नंबर 50, कटरीना कैफ ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2000 में फेविकॉल के एड से ही की थी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहिए साहित्य और सिनेमा।